और अब उदयपुर से बड़ी खबर, जहां पैंथर ने स्कूली बच्चे पर हमला किया है। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पहाड़ी पर बने घर से स्कूल जा रहे थे बच्चे। फलासिया थाना क्षेत्र के बड़ा भीलवाड़ा जंगल का मामला है। अचानक पैंथर ने स्कूली बच्चों पर हमला किया। एक बच्चे ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, अन्य बच्चों ने भाग कर अपनी जान बचाई। तो स्कूली बच्चे पर पैंथर का हमला और बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पहाड़ी पर बने घर से ये बच्चे स्कूल जा रहे थे, बाकी बच्चों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन एक बच्चे पर हमला किया और उस बच्चे की मौत हो गई। तो उदयपुर से एक खबर, जहां बाकी बच्चों ने भागकर जान बचाई, लेकिन जिस बच्चे पर हमला हुआ था उस बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। और अब अनूपगढ़ के रायसिंह नगर से खबर, जहां नरेंद्र मेघवाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। भीम आर्मी और मृतक के परिजनों का 11वें दिन समेजा थाने के गेट पर धरना जारी है। डीएसपी अनु विश्नोई सहित दो पुलिसकर्मियों को हटाने की मांग हो रही है और तीसरे दिन भी भीम आर्मी और परिजनों का अनशन जारी है। धरने पर बैठे लोगों ने डीएसपी पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। दो दिन पहले भी सर्व समाज के लोगों ने मांग को लेकर समेजा थाना पर प्रदर्शन कर गेट पर ताला लगाया था और न्याय नहीं मिलने पर भीम आर्मी ने बड़े स्तर पर प्रदर्शन करने के भी संकेत दिए। तीसरे दिन भी भीम आर्मी और परिजनों का अनशन जारी है। धरने पर बैठे लोगों ने डीएसपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। नरेंद्र कुमार को हत्या कर दी है, उस पर हम सर हमारा परिवार और भीम आर्मी के कार्यकर्ता जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और जब तक ये जारी रहेगा जब तक हमारी मांगे को स्वीकार। मेरे भाई तो डीएसपी सहित दो पुलिसकर्मियों को हटाने की अब लगातार मांग हो रही है। तीन दिन से भीम आर्मी और परिजनों का अनशन जारी है। नरेंद्र मेघवाल की मौत का मामला 11वें दिन समेजा थाने के गेट पर धरना जारी है। डीएसपी सहित दो पुलिसकर्मियों को हटाने की लगातार मांग हो रही है और बड़ी संख्या में लोग यहां धरने पर हैं। डीएसपी पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया है धरने पर जो तमाम लोग बैठे हैं। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विक्रम सिंह फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ गए हैं। विक्रम, क्या कुछ ये पूरा मामला है और फिलहाल क्योंकि बड़ी संख्या में लोग धरने पर बैठे हैं, तो क्या प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई समझाइश इनसे नहीं हो रही है? दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जो ये नरेंद्र मेघवाल की मौत का जो मामला है, 31 जुलाई की रात्रि की ये घटना है। परिजनों ने आरोप लगाया था कि यहाँ हमारे जो घर है उसमें थे बजिंदर कौर, जो है इसको फोन करके बुलाकर लेके गया, लेकिन जब देर रात तक ये नहीं आया तो परिजनों ने और गांव के लोगों ने तलाश की, तो बजिंदर सिंह के जो पास थी के खेत के अंदर यह मृत अवस्था में मिला था। तो काफी समय 3-4 दिनों तक पुलिस से यह मुकदमा दर्ज करने की भी परिजनों ने मांग की, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई भी संतोषपूर्वक उनको मृतक के परिजनों को जवाब नहीं दिया गया, और जबकि अनुपगढ़ एसपी के आदेशों के बाद में यह मामला दर्ज किया गया। अब जो है भीम आर्मी और सर्व समाज के लोग और परिजन जो पिछले 11 दिनों से धरने पर बैठे हैं, 5 मांगों को लेकर के, जिसमें परिवार को सुरक्षा देना, परिवार को आर्थिक सहायता देना, और जो पुलिस क्षेत्र जो है डीवाईएसपी अनु विश्नोई सहित दो पुलिस कर्मियों को यहां से हटाने की मांग की गई है। जानकारी है कि दो तो मांगों को तो पुलिस के द्वारा मानने का आश्वासन दे दिया गया है, लेकिन जो भीम आर्मी और सर्व समाज के लोग हैं, जो मृतक के परिजन है, डीवाईएसपी अनु विश्नोई को यहां सहित दो पुलिस कर्मियों को और को हटाने की मांग को लेकर के पिछले 11 दिन से धरने पर बैठे हैं। उनका आरोप है कि पुलिस प्रशासन द्वारा और प्रशासन के द्वारा कोई हमारी सुनवाई नहीं की जा रही है, और जो धरने पर बैठे उनका यह भी आरोप है कि डीवाईएसपी अनु विश्नोई के द्वारा इस मामले के अंदर राजनीति की जा रही है, जिसके कारण वो पिछले 3 दिनों से भूख हड़ताल पर अनशन पर बैठे हुए हैं। और भीम आर्मी ने यह संकेत दिया है कि अगर
एक दो दिनों में अगर उचित मांगों को नहीं माना जाएगा मृतक के परिजनों को, तो हम आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर यह प्रदर्शन करेंगे। जी मनीषा, कोई जनप्रतिनिधि वहां पर पहुंचा, किसी प्रकार का आश्वासन दिया गया? बिल्कुल, उनको मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जनप्रतिनिधि जो पूर्व विधायक लालचंद्र मेघवाल और प्रियंका बलान जो सांसद प्रत्याशी के तौर पर खड़ी हुई थी, वो भी वहाँ पहुंची है। इसके अलावा जो मौके के जनप्रतिनिधि है वो भी वहाँ पहुंचे थे, और मृतकों के जो परिजन है भीम आर्मी के, जो सरोज समाज के लोग, उनसे भी समझाइश की थी। लेकिन जो सरोज समाज के लोग भीम आर्मी और मृतक के परिजन एक ही मांग को लेकर अड़े हुए हैं, जब तक इस सेक्टर से डीवाईएसपी दो पुलिस कर्मियों को हटा नहीं दिया जाता तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विक्रम आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो तीन दिन से भीम आर्मी और परिजनों का अनशन जारी है। और अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर, जहां फोर लाइन हाईवे पर चलते ट्रेलर में आग लग गई। ट्रेलर के टायरों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। मावल चौकी सहित थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे, गेल इंडिया दमकल के वाहन को मौके पर बुलाया। साथ ही ट्रेलर में, आपको बता दें, पाउडर भरा हुआ था। घटना के बाद चालक ने कूद कर अपनी जान बचाई। पुलिस ने मौके पर यातायात को रोक कर एक तरफा किया। रीको थाना क्षेत्र के मावल चौकी के पास की पूरी घटना है। अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया और ट्रेलर में पाउडर भरा हुआ था। चालक ने हालांकि कूदकर अपनी जान बचा ली। भरतपुर के बयाना से अब खबर, जहां निजी अस्पताल में प्रसव के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। रास्ते में ही प्रसूता ने दम तोड़ दिया। प्रसूता की बॉडी वापस निजी अस्पताल लेकर परिजन पहुंचे और ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में हंगामा किया। शव को हॉस्पिटल में रखकर प्रदर्शन किया गया। हंगामे की सूचना पर मौके पर CEO अमर सिंह मीणा पहुंचे। बयाना कस्बे के पंचायत समिति के पास स्थित कृष्णा हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। अभी यहाँ एक घटना हुई है, जो हॉस्पिटल है कृष्णा हॉस्पिटल, ऑपरेशन किया है, ऑपरेशन के लायक मरीज नहीं था, तो प्रसूता नहीं थी, लेकिन फिर भी ऑपरेशन किया और ऑपरेशन असफल होने के कारण एक औरत की जान गई। निजी अस्पताल में प्रसूता की तबीयत बिगड़ी। गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया और रास्ते में ही प्रसूता ने दम तोड़ दिया। फिर वापस निजी अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन और निजी अस्पताल में ग्रामीणों का, परिजनों का हंगामा देखने को मिला। शव को हॉस्पिटल में ही रखकर प्रदर्शन उनकी ओर से किया गया। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल रेफर किया गया था, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद फिर से निजी अस्पताल पहुंचे और वहां प्रसूता के शव को रखकर परिजनों और ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी अजय फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, क्या कुछ पूरी जानकारी है, ऐसी लापरवाहियां आखिर कैसे हो जाती हैं? बिल्कुल, देखिए, ये भरतपुर जिले के बयाना तहसील के एक गांव का प्रसूता है। उसको एक प्रसव के लिए उसके परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे थे और वह एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे थे,
जो कि बयाना कस्बे के अंदर मौजूद है, वहां पर प्रसव हुआ, ऑपरेशन से उसका बच्चा हुआ, बच्चा सुरक्षित था, लेकिन देर रात्रि को उसकी तबीयत खराब होने लगी महिला की। तो उसके बाद उस प्रसूता को लेकर जो हॉस्पिटल संचालक है उन्होंने उसकी गंभीर हालत बताते हुए उसको रेफर कर दिया। तो परिजन उसे लेकर देर रात्रि को जब भरतपुर जिला अस्पताल की तरफ आ रहे थे तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई। इसके बाद वापस परिजन बयाना कस्बे पहुंचे और करीब 12 बजे के आसपास हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने जबरदस्त तरीके से हॉस्पिटल जो निजी हॉस्पिटल है वहां पर हंगामा किया। इस हंगामे की सूचना पर पुलिस भी वहां पर पहुंची, काफी संख्याएं की गई। मैं आपको बता दूं कि कुछ जो प्रसूता के परिजन थे उसके ग्रामीण भी काफी संख्या में वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने डॉक्टर जो निजी अस्पताल के डॉक्टर है उन पर लापरवाही का आरोप लाया। इसके बाद पुलिस ने समझाइश की और समझाइश करके देर रात्रि को जो महिला का शव है उसको वहां की अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। फिलहाल आज उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने साफ तौर पर इस पर लापरवाही की है और आज पोस्टमार्टम की कार्रवाई होने के चलते शायद इस मामले को लेकर उस निजी अस्पताल संचालक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया फिलहाल अजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और छत्तीसगढ़ एसीबी की टीम अनूपगढ़ पहुंची। अनूपगढ़ में एक व्यापारी के घर सर्च अभियान चल रहा है। छत्तीसगढ़ के कलेक्टर समीर बिश्नोई के विरुद्ध एसीबी में मामला दर्ज है। कोयला घोटाला में दर्ज हुआ था कलेक्टर के विरुद्ध मामला। कलेक्टर समीर बिश्नोई का अनूपगढ़ में ससुराल है। छत्तीसगढ़ एसीबी के डीसीपी राहुल शर्मा ने टीम के साथ व्यापारी के घर में सर्च अभियान शुरू किया। एसीबी की टीम ने घर को पूरी तरह से बंद कर रखा है और लगातार सर्च यहां पर चल रहा है। तो कोयला घोटाले में कलेक्टर के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था और उसके बाद अब एसीबी का एक्शन। कलेक्टर समीर बिश्नोई का अनूपगढ़ में ससुराल है, पूरी टीम यहां पर मौजूद है, घर को पूरी तरह से बंद कर रखा है। छत्तीसगढ़ एसीबी के डीसीपी राहुल शर्मा पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं और टीम ने घर को पूरी तरह से बंद कर रखा है। अनूपगढ़ से खबर जहां एक व्यापारी के घर पर सर्च अभियान लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ एसीबी की टीम अनूपगढ़ पहुंची है और अनूपगढ़ में एक व्यापारी के घर पर सर्च अभियान चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी विपुल अग्रवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विपुल, क्या कुछ ये पूरा मामला है और फिलहाल एसीबी की कार्रवाई जो है वो कहां तक पहुंची है? क्या किसी अधिकारी ने बाहर आकर कुछ बातचीत हुई? आपको बता दूं कि आज सुबह छत्तीसगढ़ की एसीबी की टीम सुबह करीब 6:30 बजे स्थानीय पुलिस को साथ में लेकर एक व्यापारी के घर पर पहुंची, जहां पर उन्होंने उनका व्यापार भी उन्हीं के साथ है, जब उन्होंने उनके घर पर रेड मारी। बता दूं कि रेड अभी भी जारी है और एसीबी की टीम किसी भी प्रकार की जानकारी देने में अभी सक्षम नहीं है, उनके द्वारा जानकारी देने के लिए मना किया जा रहा है। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ के कलेक्टर थे समीर बिश्नोई, उनके विरुद्ध कोयला घोटाले के तहत एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया था, जिनके खिलाफ उनका अनूपगढ़ में ससुराल है। इस कारण ससुराल होने की वजह से, रिश्तेदारी होने की वजह से एसीबी की टीम ने उनके घर पर रेड मारी है और अभी भी उनकी कार्रवाई जारी है और एसीबी की टीम किसी भी प्रकार की जानकारी मीडिया को भी नहीं दे रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए विपुल आपका। सिरोही जिले के आबूरोड शहर के चंद्रावती स्थित रीको ग्रोथ सेंटर फेज प्रथम में जोधपुर विद्युत वितरण निगम के द्वारा 3311 केवी सबस्टेशन का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजन किया गया, जहां राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सबस्टेशन का विधिवत रूप से फीता काटकर 1,50,00,000 की लागत से बने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया और उसके बाद आयोजित कार्यक्रम को लेकर विद्युत विभाग के द्वारा स्वागत कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। लोगों की और रिक्को के लिए
बहुत ही उदाहरण पेश हो रहा है। यहाँ के जो अभी अध्यक्ष है और जितनी भी पूरी टीम बनी हुई है उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम किया। और आने वाले समय में जो बिजली की समस्या चलेगी, इससे GSS बनने से यहाँ के जितने भी उद्योग है, जिनको में जितने भी फैक्ट्रियाँ हैं, उनको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, यहाँ के लोगों को भी बेनिफिट होगा, ताकि आने वाले समय में। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का उदयपुर दौरा, यात्रा के दूसरे दिन कल्याणपुर गांव के शिवालय पहुंचे, जहां श्री श्याम कनाथ महादेव मंदिर में जलाभिषेक किया। वैदिक ऋचाओं के साथ शिव विग्रह पर बेलपत्र और पुष्प अर्पित किए, प्रदेश की सर्वोत्तम खुशहाली और समृद्धि की कामना की। साथ ही सर्किट हाउस में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने संस्कृत भारती के पोस्टर का विमोचन किया और पोस्टर विमोचन के बाद सलुम्बर पहुंचे शेखावत। सलुम्बर से दोपहर 12 बजे डबोक एयरपोर्ट पहुंचेंगे, डबोक एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का उदयपुर दौरा और महादेव मंदिर में उन्होंने जलाभिषेक किया और प्रदेश की खुशहाली समृद्धि की उनकी ओर से कामना की गई। साथ ही जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सलुम्बर के लालपुरिया गांव पहुंचकर स्वर्गीय विधायक अमृतलाल मीणा के निवास पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, साथ ही परिजनों से मिलकर उन्हें भी सांत्वना दिया। आपको बता दें, इस दौरान शेखावत ने कहा कि मीणा ने बतौर विधायक लगातार 3 बार सलुम्बर की जनता की सेवा की है। प्रदेश की राजनीति में मीणा को सदैव याद रखा जाएगा। जयपुर जिले के सामोद में वीर हनुमान जी मंदिर जाने के लिए लगाए गए रोप वे के शुरू होने की उम्मीद जगी है। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा लगातार इसके प्रयास कर रहे हैं। रामलाल शर्मा ने कहा, भूमि डायवर्जन की प्रक्रिया अब पूरी कर ली गई है और इसका प्रस्ताव भी दिल्ली भेज दिया गया है, अगले महीने रोप वे शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजनीति करके इस रोप वे के संचालन पर रोक लगा दी थी और अब रोप वे के संचालन के बाद वीर हनुमान जी मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलेगी। हनुमान जी का रोपी कांग्रेस शासनकाल के अंदर द्वेषतापूर्ण राजनीति के चलते बंद किया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद डायवर्जन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। राजस्थान सरकार ने जमीन डाइवर्ट करके फॉरेस्ट की लैंड को और प्रस्ताव दिल्ली भिजवा चुके हैं। दिल्ली से बहुत जल्दी इसकी NOC मिलने के उपरांत लाखों लोगों की आस्था का केंद्र वीर हनुमान मंदिर और उसकी रोपवे जो बंद पड़ा है वो पुनः चालू होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसी महीने या इस महीने नहीं तो अगले महीने निश्चित रूप से रोपवे शुरू हो जाएगा। कामा नगर पालिका की मनरेगा योजनाओं में भ्रष्टाचार इस कदर हावी है कि इसका जीता जागता उदाहरण उस समय देखने को मिला जब आक्रोशित मनरेगा श्रमिक महिलाओं ने कामा दौरे पर आए गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम को रोक लिया और अपनी व्यथा सुनाई। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात के दौरान नरेगा योजना की पीड़ित महिलाओं ने नगर पालिका के JTA वसीम खान पर मनमानी और मनरेगा योजना में धांधली कर मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी को हड़पने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। जवाहर सिंह बेढम ने मनरेगा श्रमिक महिला की बातों को ध्यान से सुना और अधिकारियों से बातचीत कर उचित कार्रवाई का भी आश्वासन दिया और तब जाकर महिलाओं का गुस्सा शांत हुआ। आपको बता दें कि आक्रोशित महिलाओं ने गत दिनों कामा सर्किट हाउस में हुई जनसुनवाई के दौरान विधायक नौक्षम चौधरी को भी ज्ञापन सौंपा था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सलुम्बर के लालपुरिया गांव पहुंचकर स्वर्गीय विधायक अमृतलाल मीणा के निवास पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की और साथ ही परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। आपको बता दें कि इस दौरान शेखावत ने कहा कि मीणा ने बतौर विधायक लगातार 3 बार सलुम्बर की जनता की सेवा की है, प्रदेश की राजनीति में मीणा को सदैव याद रखा जाएगा। एकाएक दिन छोड़ करके चले जाने परिवार के लिए तो अपूर्णीय क्षति है ही, लेकिन उनके जाने से पार्टी के लिए भी उतनी ही बड़ी क्षति हुई है।
पार्टी परिवार के साथ साथ में इस क्षेत्र में भी जिस तरह का उनका लोगों के साथ में जुड़ाव था, जीवन के संपर्क था, इस क्षेत्र में भी एक बार जो है अंधेरा उनके जाने से छा गया है। लेकिन नियति का निर्णय है, हम सबको उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। इस दुखद घड़ी में पूरा पार्टी परिवार एकजुट होकर के आदरणीय अमृतलाल जी के परिजनों के साथ में खड़ा है और क्षेत्र में उनका उनके न होने के कारण से जो शून्यता डेवलप हुई है, हम सब मिलकर के कार्यकर्ता सारे हम मिलकर के इस शून्य को भरने के लिए पूरे प्रयत्न करेंगे,